हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग हो सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा घटना कुछ ऐसा ही है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से कहा जा रहा है हत्या एक नहीं दो है, और इसको लेके ही सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से एक बात कहा गया है जो बात सुन के शायद आप भी चौंक उठेंगे कि हमें तो पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिर्फ एक ही हत्या का मामला था, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को ही खत्म किया गया था। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से ये जो दूसरी हत्या की बात किया जा रहा है वो क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ था जो कि हमें नहीं पता एज ए एसएसआरियन होके भी। सबसे पहली बात तो यह दोस्तों कि इस केस में हमें जो चाहिए वो है जस्टिस, और जिसके लिए इस केस को सीबीआई के हाथ पे यानी हमारी इंडिया की सबसे एक प्रीमियर एजेंसी के हाथ में इस केस को सौंपा गया ताकि इसका निष्पक्ष जांच हो और सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक्चुअल जो सच्चाई है वो हमारे सामने आए। और आज इतने दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से ये दो हत्या वाली बात को सामने लेके आने के बाद हम लोगों की आंखों के ऊपर से भी वो झूठ का पर्दा हट गया और जो सच्चाई है वो हम लोगों के सामने आज के दिन में पहुंच चुका है। तो क्या है वो बात जो कि सुशांत की परिवार के तरफ से कहा गया? तो आपके सामने फिलहाल जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं ये ट्वीट है प्रियंका सिंह की तरफ से, और इस ट्वीट में क्या लिखा गया है इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों कि साइलेंस ऑफ प्रीमियर एजेंसी इन अ हाई प्रोफाइल केस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द पॉसिबिलिटी कंस्पिरेसी बिहाइंड सुशांत किलिंग एंड नाउ किलिंग ऑफ द केस स्लोली आवर पेशेंस इज टेस्टेड विद ईच पासिंग डे। तो इसकी मतलब क्या है कि एक हाई प्रोफाइल मामला यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस जो है एक हाई प्रोफाइल मामला है, तो इस मामले में सरकारी इतनी प्रीमियम एक एजेंसी अगर चुप रहता है तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे जो साजिश था उस साजिश को ही एक कंफर्मेशन देना होता है। और साथ ही साथ हत्या सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का भी हत्या हो रहा है। यानी जो फैमिली की तरफ से दो हत्या की बात किया गया है एकदम दिल ठोक के आप कहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतनी गंदी हरकत करने के बाद, ऐसी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद आज सुशांत सिंह राजपूत की केस को भी ऐसे खत्म किया जा रहा है। तो हुआ ना ये दो हत्या। और दोस्तों कहीं ना कहीं लास्ट कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से भी ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि बहुत देर हो चुका है, सीबीआई जो है वो अपनी सारी हदें पार कर दे रहा है। और इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत की परिवार की तरफ से एक क्वेश्चन लेके आया गया था कि कहीं ना कहीं सीबीआई को बांध के तो नहीं रखा गया, और अगर सीबीआई जैसे इतनी बड़ी एक प्रीमियम एजेंसी को अगर ऐसे बांध के रखा गया है, अगर कोई अपनी आंखों के तले रख दिया है, तो डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के साथ साथ आज के दिन में धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत की केस का भी हत्या हो रहा है दोस्तों। और जो कि हम डे बाय डे हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं। अब बारी हमारी है कि हम कैसे ये जस्टिस की प्रक्रिया से सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को छीन के लाए। इसके लिए हमें एक साथ होके आवाज बुलंद रखना होगा, और साथ ही साथ सिर्फ आवाज बुलंद से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर भी हम लोगों का एक्टिविटी दिखाना होगा, तभी जाके शायद जिस रस्सी से सीबीआई को बांध के रखा हुआ है वो रस्सी टूटेगा। तो बस दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से जो दो हत्या की बात किया गया है, क्या आप सहमत हैं इस बात के साथ? अगर सहमत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जस्टिस फॉर दिशा एंड जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखिएगा। तो बस दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।